तो दोस्तों स्वागत है तमारू फरीथी आपणे एक नवा वीडियोनी अंदर। तो हाल छे आपणे अंबाजीनी अंदर अने आजना वीडियोनी अंदर अमे तमने अंबाजीनी नजीकना चार मंदिरोना दर्शन करावीशुं। तो आपणो वीडियो पूरो जोजो अने वीडियो गमे तो प्लीज़ आपणी यूट्यूब चेनल मयूर ब्लॉग ने सब्सक्राइब करी लेजो। तो दोस्तों पहला नंबरना मंदिरनी वात करीए तो आ छे श्री पंचमुखी काल भैरव दादानुं मंदिर। तो आ मंदिर तमने अंबाजी मंदिरना पाछळना भागनी अंदर जोवा मळशे। तो दोस्तों जोई शको छो आ छे पंचमुखी काल भैरवनुं मंदिर, तमे दर्शन पण करी शको छो। अने आ छे मंदिरना अंदरनो व्यू। तो तमे बस स्टेन्डना पाछळना भागमां ज्यारे आवो छो बजारमां चालता चालता त्यारे तमने आ मंदिर जोवा मळशे पंचमुखी काल भैरवनुं। तो दोस्तों आ छे आपणुं बीजा नंबरनुं मंदिर, आई श्री खोडियार माताजीनुं मंदिर। तो आ मंदिर ज्यारे तमे अंबाजी मेन मंदिरे दर्शन करवा माटे जाओ छो त्यारे तमने रस्तामां जोवा मळे छे। तो गमे त्यारे तमे अंबाजी जाओ अने ज्यारे मेन मंदिरे दर्शन करवा जाओ त्यारे तमने आ रस्तामां जोवा मळशे। तो अहींया पण तमे दर्शन करवानुं भूलता नहीं। तो हवे अमे तमने अहीं खोडियार माताजीना दर्शन करावीशुं। तो दोस्तों हाल तो मंदिरनी अंदर ताळुं छे पण आपणे जारीनी अंदर थईने तमने दर्शन करावी रह्या छे। जोई शको छो कई आ रीतनी खोडियार माताजीनी प्रतिमा छे, साक्षात खोडियारमां विराजमान होय तेवुं लागे छे। तो दोस्तों आगळ आपणे खोडियार माताजीना मंदिरना दर्शन कर्या अने आ सामे तमे जोई रह्या छो ते छे अंबाजीनुं मेन मंदिर, ज्यां अंदर फोटोशूट के विडियो शूटनी सख्त मनाई छे पण आ बहारथी तमे विडियो जोई शको छो। तो दोस्तों अत्यारे आपणे आवी गया छे कामाक्षी मंदिर। अने कामाक्षी मंदिर आवा माटे तमारे अंबाजीथी छकड़ानी अंदर बेसीने खेड़ ब्रह्मा हाईवे तरफ आवुं पड़शे, जेनुं भाड़ुं फक्त 20 रुपया छे। तो चलो दोस्तों जईए कामाक्षी मंदिर तरफ। तो दोस्तों अंबाजी मंदिरथी थोड़ा दूर अंबाजी खेड़ ब्रह्मा हाईवे पर आ कामाक्षी मंदिर आवेलुं छे, ज्यां आपणे छकड़ानी अंदर बेसीने आवी गया छे अने जेनुं भाड़ुं फक्त 20 रुपया छे। तो अहींया कामाक्षी मंदिरनी अंदर तमने 51 शक्तिपीठना दर्शन थशे पण आ मंदिरनी अंदर विडियो शूट के फोटोशूटनी सख्त मनाई छे एटले आपणे अंदर विडियो शूट करी नहीं शकीए। पण गमे त्यारे तमे अंबाजी आवो तो आ कामाक्षी मंदिरे आवानुं भूलता नहीं। अहींया कामाक्षी मंदिर सुधी आवा माटे तमने अंबाजीथी छकड़ा मळी रहेशे, जेनुं भाड़ुं 20 रुपया छे। तो हाल आपणे अहींया कामाक्षी मंदिर आया था तो अहींया तो विडियो शूट करवा नथी मळ्यो, हवे आपणे आगळना मंदिर तरफ वधीए। तो अत्यारे आपणे आवी गया छे कोटेश्वर महादेवना मंदिरे, जे तमने सामे देखाई रह्युं छे। तो आगळ आपणे जे कामाक्षी मंदिरे गया था त्यांथी कोटेश्वर महादेवना मंदिरे आवानो रस्तो छे, मतलब कामाक्षी मंदिरेथी तमे छकड़ानी अंदर बेसो तो कोटेश्वर महादेव सुधी आवाना 10 रुपया ले छे छकड़ावाळा। तो अंबाजीथी पहेला तमे कामाक्षी मंदिरे जई शको छो अने त्यांथी दर्शन करीने पछी अहीं कोटेश्वर आवी शको छो। तो अहीं आवेलुं छे कोटेश्वर महादेवनुं मंदिर અને અહીં છે ગૌમુખ। તો દોસ્તો પહેલાં આપણે ગૌમુખ તરફ જઈશું। ગૌમુખની અંદર 24 કલાક સતત પાણી વહ્યા કરે છે, જે ડુંગરોમાંથી આવે છે તે પાણી ક્યાંથી આવે છે તે કોઈને નથી ખબર, પણ સતત અહીં 24 કલાક ગૌમુખમાંથી પાણી વહ્યા કરે છે। તો આગળ આપણે વિડીયોની અંદર ગૌમુખ જોઈશું અને પછી અહીંયાથી ગૌમુખ જોઈને આગળ મહાદેવના દર્શન કરીશું અને સરસ્વતી માતાની ગુફા આવેલી છે તો તે ગુફા જોઈશું। તો સામે તમે જોઈ રહ્યા છો તે છે ગૌમુખ। તો ઘણા લોકો અત્યારે અહીં હાથ પગ મોં પણ ધોઈ રહ્યા છે અને પબ્લિક પણ જોઈ શકો છો અત્યારે અહીં કોટેશ્વર મહાદેવના મંદિરે। તો દોસ્તો આજે તમે સામે પથ્થરનો ડુંગર જોઈ રહ્યા છો, તેની અંદરથી ઝરણું આવી રહ્યું છે જોઈ શકો છો, જે ગૌમુખમાંથી વહ્યા કરે છે સતત 24 કલાક। આ ઝરણું ક્યાંથી આવે છે તે કોઈને નથી ખબર, પણ અહીંયા તે ઝરણું ગૌમુખમાંથી સતત વહ્યા કરે છે જોઈ શકો છો નજીકથી તમે।
तो आ छे गौमुख। तो आ तमने अंबाजीथी थोड़ा दूर कोटेश्वर महादेवनुं मंदिर आवेलुं छे त्यां तमने जोवा मळशे। दोस्तों हवे आपणे आवी गया छे अंबाजीथी थोड़ा दूर आवेला गब्बर पर्वत उपर। तो आ छे गब्बर पर्वत उपर आवेलू मंदिर, अने आ मंदिरे तमने दर्शन थाय छे अखंड ज्योतना। तो गमे त्यारे तमे अंबाजी आवो तो अहींया आवानुं भूलता नहीं, जोई शको छो। आ छे अखंड ज्योत, अने आ गब्बर पर्वत उपर तमने अखंड ज्योतना दर्शन थशे, जोई शको छो। लाइव दर्शन पण तमे करी शको छो आपणा विडियोनी अंदर। अने आ छे आखा मंदिरनो व्यू, जोई शको छो। तो दोस्तों गब्बर पर्वत उपर चढ़वा माटे अहीं रोपवेनी पण सुविधा करेली छे, जोई शको छो। तो जो तमे चालता चढ़वा मांगता होय तो पगथिया छे, तो त्यांथी तमे चालता पण चढ़ी शको छो। अने जो तमारे चालतुं ना चढ़वुं होय तो अहीं खूब सारी एवी रोपवेनी पण सुविधा छे, तो तमे रोपवेनी अंदर बेसीने पण गब्बर पर्वत उपर चढ़ी शको छो। तो दोस्तों आजे तमे नजारो जोई रह्या छो ते गब्बर पर्वतनो नजारो छे। एटले ज्यारे अमे रोपवेमां बेसीने नीचे उतरता हता त्यारे शूट करवामां आवे छे, जोई शको छो। बहुत गजबनो नजारो जोवा मळे छे रोपवेमां बेसीने नीचेनो। तो दोस्तों आ तो आजनो आपणो अंबाजी नजीकमां 4-5 मंदिरोना दर्शननो वीडियो। आई होप के तमने आपणो आ वीडियो गम्यो हशे। वीडियो गम्यो तो प्लीज़ आपणी यूट्यूब चेनल मयूर ब्लॉगने सब्सक्राइब करी लो, जेथी तमने आवा ज नवा नवा धार्मिक मंदिरोना वीडियो जोवा मळे। चलो दोस्तों मळीए बीजा एक नवा वीडियो साथे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।